इन देयर नेम, अगर हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा पैसा होता है तो हम उसको सेव करने के लिए, उसको इन फ्यूचर यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं। इन दिस वे पीपल्स मनी सेफ विद द बैंक एंड इट अर्न एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब इस तरीके से लोगों का जो पैसा है वो बैंक में सेफ भी होता है और वो इंटरेस्ट भी कमाता रहता है। पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन्स टू विड्रॉ द मनी एज वेन दे रिक्वायर। मतलब कि जब भी चाहे आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो आप पैसा निकलवा सकते हैं। सिंस द डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉ ऑन डिमांड, जब भी आपको ज़रूरत होता है। अब तो आपके पास डेबिट कार्ड, ATM कार्ड सब अवेलेबल हैं। अगर आपको रात को भी 24/7 अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। तो ऐसे डिपॉजिट्स को क्या कहा जाता है, डिमांड डिपॉजिट, कि आपकी डिमांड पर आपने उन्हें निकाल लिया। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी। इट इज़ अ फैसिलिटी विच लेंस इट एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। यू वुड हैव हर्ड ऑफ पेमेंट बींग मेड बाय द चेक्स इंस्टेड ऑफ कैश। चेक्स, आपको सबको बता होगा चेक्स क्या होते हैं। फॉर द पेमेंट थ्रू द चेक द पेयर हु हैज़ एन अकाउंट विद द बैंक मेक्स एन आउटर चेक ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट। अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू द पेयर स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम चेक हैज़ बीन इशूड। मान लीजिए आप खुद विड्रॉन करवाना नहीं चाहते हो या फिर आप थर्ड पार्टी को पेमेंट करना चाहते हो, तो आप अपने नाम से, उस पर्सन के नाम से जिसको आप कर रहे हो, उसको आप एक चेक बना के दे देते हो, जिससे चेक जो होता है आपकी स्क्रीन पे जो प्रेजेंट है वो एक चेक का फॉर्म, एक स्पेसिमेन कॉपी चेक की प्रेजेंट की गई है, कि आप वो चेक प्रेजेंट कर सकते हो बैंक में जाकर, और बैंक से वहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपना पैसा निकलवा सकते हो। Thus we use these demand deposits share that essential feature of money. Facility of checks against the demand deposit make it possible to directly settle payment without the use of cash. आपको कैश निकलवाना नहीं पड़ा, फिर उस पर्सन को देना नहीं पड़ा, आपने डायरेक्टली उसको चेक दे दिया। Since demand deposits are accepted widely as a means of payment along with currency, they constitute money in the modern economy. यानी modern economy में जो भी आपकी currency चल रही है उसी को accept करता है। You must remember that the role बैंक प्ले हेयर, बट फॉर द बैंक देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट एंड नो पेमेंट बाय द चेक अगेंस्ट दीज डिपॉजिट्स। द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी करेंसी एंड डिपॉजिट्स आर लाइक लिंक टू द वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। ये जो चेक्स है, ATM कार्ड्स, डेबिट कार्ड, ये क्या आपका मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से हमारी कैशलेस सोसाइटी चल सकती है। तो ये आपका फोर्थ पार्ट ऑफ द वीडियो है, हमने हमारा जो चैप्टर हमने फोर्थ पार्ट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हम इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे।